नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पुनौरा धाम के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य हुआ शुरू। व्हाट्सएप और ऐप पर कर सकेंगे हर घर नल का जल और पेयजल आपूर्ति की शिकायत। नीट पीजी की परीक्षा हुई स्थगित। मॉनसून के धीमे पड़ने से राज्य में धान की खेती पर पड़ रहा असर। अनबन की खबरों के बीच रोहित शर्मा ने की हार्दिक की तारीफ। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पुनौरा धाम के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य हुआ शुरू। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर के आसपास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। शनिवार को पर्यटन विभाग और जिलाधिकारी की टीम द्वारा स्थल पर निरीक्षण कर उसका जायजा लिया गया। बता दें कि पुनौरा धाम मंदिर के विकास के लिए 72.47 करोड़ रुपए की योजना को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इसके तहत परिक्रमा पथ, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, जानकी महोत्सव क्षेत्र का विकास, सुंदर वास्तु शिल्प से सुसज्जित दीवारें, पार्किंग और अन्य पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर के आसपास 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है। शनिवार को निरीक्षण के दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने पुनौरा धाम मंदिर के आसपास जो 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है उसके दिशा में कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के कक्षा 11वीं के सत्र 2024-26 में नामांकन कराने हेतु ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। 28 जून को निर्धारित परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 3 से 5 के बीच ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को दोपहर 1:30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है। दोपहर 2:30 बजे परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा और दोपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। छात्र प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट https://bseb.com पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। नीट पीजी की परीक्षा हुई स्थगित। आज नीट पीजी की परीक्षा आयोजित होने वाली थी, लेकिन इस परीक्षा का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा मेडिकल स्टूडेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की होती है। शिक्षा के लिए पीजी मेडिकल करने वाले बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इस बार परीक्षा के लिए देश भर से करीब 2 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन फिलहाल यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा अब कब ली जाएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जल्द ही परीक्षा के नई तारीख का ऐलान किया जा सकता है। संजय गांधी जैविक उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी शुरू। बीते शनिवार को संजय गांधी जैविक उद्यान का 51वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने केक काटा और समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री प्रेम कुमार ने घोषणा किया कि 1 वर्ष में उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा, उद्यान में कई अन्य वन प्राणी लाए जाएंगे। इसके अलावा जल्द ही टॉय ट्रेन का परिचालन भी शुरू किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि एरिया के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अस्तित्व में आएगा। यह खुशी की बात है कि पटना का चिड़ियाघर देश के चौथे चिड़ियाघरों में शामिल है। यहाँ 91 प्रजाति के 1091 वन्य प्राणी दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। प्रदेश के इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। प्रदेश में मॉनसून के प्रवेश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली। अभी तक सबसे अधिक अररिया में 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज भी बिहार के 12 जिलों को बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों का मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है उसमें सुपौल, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, मुंगेर, बांका, कटिहार, भागलपुर और जमुई शामिल है। वहीं आने वाले 2 से 3 दिनों में पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। नीट से पहले इन परीक्षाओं का पेपर लीक कर चुका है सॉल्वर गैंग। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की अब तक की जांच में जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार गैंग द्वारा नीट के पहले भी बिहार की दूसरी परीक्षाओं में सेटिंग करवाई गई थी।
इन परीक्षाओं में सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती के अलावा कई अन्य परीक्षाएं शामिल हैं। ईओयू द्वारा अब तक 16 से अधिक चेक, 6 पासबुक और 5 से अधिक एटीएम कार्ड बरामद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कुछ स्लिप भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच में 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही जांच में करीब 3 दर्जन एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अंक पत्र समेत कई प्रमाण पत्र भी बरामद हुए हैं। व्हाट्सएप ऐप पर कर सकेंगे हर घर नल का जल और पेयजल आपूर्ति की शिकायत। पीएचडी ने राज्य भर में हर घर नल का जल एवं चापाकलों की मरम्मत से संबंधित पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायत के लिए एक नया ऐप तैयार किया है। इस ऐप पर लाभुक शिकायत टाइप करके भेजेंगे, उनके शिकायत भेजते ही भूकंप के पास कॉल सेंटर और मरम्मत दल का सामने से फोन आएगा। लाभुकों की जो भी शिकायत होगी उसका निपटारा 12 से 24 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। इसके अलावा लाभुक व्हाट्सएप से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है लाभुकों के बीच व्हाट्सएप से शिकायत करने के संबंध में प्रचार प्रसार करें, जिससे इस नई सुविधा का लाभ लाभुक उठा सके। व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत करने के लिए 8544429024 पर संपर्क कर सकते हैं। एस सिद्धार्थ ने रोका 882 प्रधानाध्यापकों का वेतन। के पाठक को बिहार में सबसे अधिक कड़क अधिकारी माना जा रहा था, लेकिन उनकी जगह आए बिहार के शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के पाठक से भी 10 कदम आगे बढ़ गए हैं। पूर्णिया के 882 प्रधानाध्यापकों का वेतन एस सिद्धार्थ ने रोक दिया है। जिले के प्रखंड के कई विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के आंकड़े ई शिक्षा पोर्टल पर 25% ही दर्ज किए गए हैं। विभागीय समीक्षा के दौरान जिन भी विद्यालय की उपलब्धि न्यून अथवा अति न्यून पाया गया है, उन्हें चिन्हित कर ऐसे 882 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। पटना एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक बनकर तैयार। पटना एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक और आइसोलेशन पार्किंग वे का निर्माण पूरा कर लिया गया है और दोनों जगह पर अब क्लीनिंग और पेंट से मार्किंग का काम चल रहा है, जिसे इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले माह इसकी कमीशनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके साथ ही इसके लिए DGCA को आवेदन दिया जाएगा। DGCA द्वारा आवेदन की जांच और निरीक्षण कर मंजूरी देने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगेगा, जिसके बाद DGCA की अनुमति मिलने के पश्चात अगस्त में इसे चालू किए जाने की उम्मीद है। मॉनसून के धीमे पड़ने से राज्य में धान की खेती पर पड़ रहा असर। इस बार मॉनसून का प्रवेश बिहार में देरी से हुआ। मॉनसून के प्रवेश के बाद भी प्रदेश में मॉनसून धीमा पड़ चुका है। थोड़ी बहुत बारिश से, गर्मी से तो लोगों को राहत मिल चुकी है, लेकिन प्रदेश के किसान इसकी मार झेल रहे हैं। अभी तक इतनी वर्षा नहीं हुई कि खेती बाड़ी की गतिविधियां शुरू की जा सके। रोहिणी नक्षत्र धान का बीज गिराने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र भी बीत चुका और आर्द्रा शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिससे खेतों में धान का बीज गिराया जा सके। कृषि विभाग ने इस बार प्रदेश में 36.56 लाख हेक्टेयर धान की खेती का लक्ष्य रखा है, लेकिन कम वर्षा के कारण किसान परेशान है। लक्ष्य के मुताबिक 3.56 लाख हेक्टेयर में धान की बुनाई करनी थी, लेकिन अभी तक लक्ष्य का केवल 39.28% ही पूरा हो सका है, यानी 1.43 लाख हेक्टेयर में ही बीज लगे हैं। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो यदि आने वाले 10 दिनों तक बारिश की स्थिति यही रही तो धान का उत्पादन भी 15 से 20% तक घट सकता है। शराबी बेटे से परेशान पिता ने अपने ही बेटे को कराया गिरफ्तार। खबर बेतिया से है, जहां एक बाप ने अपने पियक्कर पुत्र के आदतों और कारनामों से तंग आकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल यह प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य को अंजाम डुमरी पंचायत के रघुनाथपुर गांव वार्ड नंबर 6 के रहने वाले बाप अब्दुल सलाम ने किया है। अब्दुल सलाम ने अपने पियक्कर पुत्र मोहम्मद शरीफ से लंबे समय से परेशान चल रहे थे, इसलिए अंत में उन्होंने तंग आकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया है कि पियक्कर पुत्र को पिता के आवेदन पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में बेतिया भेज दिया गया है। नीट पेपर लीक केस में जदयू उपाध्यक्ष का बेटा गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में बिहार की सियासत पहले से ही गर्म है। सत्ता और विपक्ष लगातार दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं अब मामले में खगड़िया से जेडीयू उपाध्यक्ष के बेटे अमित आनंद को पकड़ा गया है। बता दें कि अमित आनंद की मां चंदन कुमारी जदयू के खगड़िया के जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं। वहीं अमित कुमार के गिरफ्तार होने और चंदन कुमारी के जदयू से जुड़े होने पर जदयू के जिलाध्यक्ष बबलू मंडल ने कहा कि पार्टी किसी को बचाती नहीं है और जो दोषी होगा
होगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मोटर यान निरीक्षक वाहन की तरह अब नावों का भी होगा निबंधन। मोटर यान निरीक्षक वाहन की तरह अब नावों की रजिस्ट्रेशन भी करने की तैयारी है। नावों का यह निबंधन अंचलावार तरीके से किया जाएगा। निबंधन के लिए जिले में 24 जून से 11 जुलाई तक शिविर लगाए जाएंगे। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने निर्देश दिया है कि मोटर यान निरीक्षक वाहन प्रतिनियुक्ति कर उनके नाम और मोबाइल नंबर अंचलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। निबंधन पदाधिकारी की भूमिका में अनुमंडल पदाधिकारी को भी रखा जाएगा। इस दौरान घाटों पर शिविर लगाकर नौका का निबंधन किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के पिता का नाम आया सामने। नीट पेपर लीक मामले में इन दिनों ईओयू एक से एक नए खुलासे कर रही है। इसी बीच पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पता चला है कि 5 मई की सुबह लगभग 9 बजे लर्न प्ले स्कूल में मौजूद चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर आया था। वहीं इस मामले में पकड़ा गया आरोपी पिंटू, जो चिंटू के साथ मौजूद था, उसने अपने साथ रखे प्रिंटर से इसे प्रिंट कर छात्रों को रटने के लिए उत्तर दिया था। चिंटू और पिंटू दोनों ही संजीव मुखिया के करीबी बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में संजीव मुखिया के पिता जनक किशोर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत संजीव का नाम घसीटा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि उनका बेटा लोजपा रामविलास की पार्टी में है और इस बात को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलकर उन्हें जानकारी देंगे और निष्पक्ष जांच करने की मांग करेंगे। अनबन की खबरों के बीच रोहित शर्मा ने की हार्दिक की तारीफ। शनिवार को T20 वर्ल्ड कप 2024 के 47वें मुकाबले में बांग्लादेश को 50 रन से हराकर भारतीय टीम ने सुपर 8 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। वहीं भारत की जीत के हीरो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रहे। उन्होंने 27 गेंदों पर 50 रन की नाबाद पारी खेली और इसके साथ ही 3 ओवर में 32 रन देकर एक विकेट भी चटकाया। वहीं मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पांड्या की जमकर तारीफ करते दिखे। IPL 2024 के दौरान हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच आई अनबन की खबरें के बाद शनिवार को रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को लेकर कहा, मैंने पिछले मैच में भी कहा था, उनकी अच्छी बल्लेबाजी हमें अच्छी स्थिति में लाती है। हार्दिक हैं, हम जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। वह टीम के प्रमुख प्लेयर हैं। अगर वह इस प्रदर्शन को बरकरार रखते हैं तो टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा देंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उत्तम कुमार दास, उमेश ऋषिदेव, सुरभि सुमन, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, अंशु कुमारी, राकेश मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, राजकिशोर महतो, सरफराज नवाज, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, नौसाद रजा, मोहम्मद सागर हुसैन, छोटू राजा, सादुल्लाह पालवी, दिलीप पासवान, मोहम्मद सागर कमल, बबलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में धान की खेती शुरू हो चुकी है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।